हेलो, आप सभी को प्रेमेस होम प्लेन पर स्वागत है। और मैं हूँ प्रेम और आप सभी देख रहे हैं प्रेमेस होम प्लेन। और आप सभी के सामने मैं आज एक छोटा सा घर का प्लान लेके आया हूँ, जिसके साइज़ आपको साइज़ के बारे में आप बात करें तो आपको साइज़ में 15 x 30 फीट का ये घर है। आगे की ओर 15 फीट है और इस साइड की ओर 30 फीट का ये घर का प्लेन है। जो बेहतरीन सा मॉडल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज का घर का डिज़ाइन। ये जो घर है, ये घर आप बहुत ही कम लागत में बना पाएंगे। जिसके बजट बहुत कम है वो ये घर का मॉडल से घर बना पाएंगे। आपको ये नहीं है कि बनाना है, आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो ये डिज़ाइन पर आप घर बना पाएंगे। और आप सभी देख रहे हैं प्रेमेस होम प्लान। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और उसका नोटिस भी आपको मिल जाए, इसलिए जो साथ में नोटिस के बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करें। और चलते आज के टॉपिक पर। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये आज का नया प्लान, नया टॉपिक 15 x 30 फीट का घर है, जो एक ही फ्लोर में दिया गया है, यानी ग्राउंड फ्लोर के अंदर। और इस घर में आपको वेंटिलेशन का बहुत ही खास देखा गया है, वेंटिलेशन के लिए बहुत ही खास वजह से देखा गया है, इसलिए आपको ये ओपन यानी पूरे खुले मिलेगा अंदर। और इस घर के बारे में आप रूम प्लानिंग में जानना चाहें तो इसके रूम प्लानिंग में चलते। इसके रूम प्लानिंग में आपको आप यहाँ से एंट्री करेंगे, आप इस जगह से एंट्री करेंगे। एंट्री डोर है सामने, कुछ इस तरीके का सामने का लुक आएगा। आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो सामने आपको ये वाला लिविंग रूम आएगा। ये लिविंग रूम के साइज़ के बारे में आप बात करेंगे तो यहाँ से पूरे इसका जो साइज आएगा, इसको 3 पार्टीशन में भाग किया गया है। जैसे यहाँ पर एक है वॉल, दूसरा और यहाँ पर एक तीसरा। इस घर को 3 पार्टीशन में भाग किया गया है। 3 पार्टीशन को साइज के बारे में बात करें तो आपको इस जगह पे, यानी ये वॉल और ये वॉल से लेकर पूरे ये बाथरूम और बेडरूम लेकर जो साइज़ है वो है 15 x 10 फीट के अंदर। 15 x 10 फीट के अंदर ये बाथरूम का साइज है। और यहाँ पर जो किचन देख रहे हैं, किचन और ये जो आएगा आपको गैलरी, ये गैलरी से लेकर किचन तक का साइज है 15 x 8 फीट का। और यहाँ पर जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम के साइड में ये वॉल से लेकर ये वॉल तक जो बाथरूम आएगा और आपको यहाँ पर एक स्टेयर आएगा, उसको लेकर जो साइज है वो 15 x 12 फीट के अंदर। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपके सामने ये लिविंग रूम आएगा। लिविंग रूम के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो लिविंग रूम का साइज आपको 10 x 12 फीट का दिया गया है, यानी 10 x 12 फीट के अंदर होगा आपका लिविंग रूम। और इसी साइड से आपको जो स्टेयर मिलेगा, ये स्टेयर का साइज जो है वो 5 x 6 फीट का है। स्टेयर के लिए जगह दिया गया है 5 x 6 फीट का। और यहाँ पर स्टेयर के साइड में आएगा आपका टॉयलेट, और इस टॉयलेट का जो साइज है वो है 5 x 6, यानी बराबर साइज। स्टेयर और टॉयलेट का साइज है 5 x 6 फीट का, और स्टेयर का भी साइज रहेगा 5 x 6 फीट। ये टोटल जो साइज आएगा लिविंग रूम, स्टेयर और बाथरूम लेकर, वो आएगा 15 x 12 फीट के अंदर। उसके अंदर भी लिविंग रूम का साइज है 10 x 12 फीट का, और स्टेयर का साइज जो आएगा वो आएगा आपको 5 x 6 फीट, और इस साइड की ओर 5 x 6 फीट का टॉयलेट। और आप इस यहाँ से लेकर लिविंग रूम पहले, फिर लिविंग रूम के यहाँ से आपको गैलरी मिलेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गैलरी से आप अंदर की ओर जाएंगे तो आप पहले इस गैलरी होते हुए आपको यहाँ पर एक डोर मिलेगा। वो डोर से आप एंट्री करेंगे तो बेडरूम की ओर पहुँचेंगे, और इसी गैलरी से इस साइड की ओर आपको दूसरा और एक रूम मिलेगा। यहाँ पर एक डोर मिलेगा इस गैलरी से। यहाँ से जाएंगे तो आपका किचन, आपका किचन के साइज़ के बारे में बात करें तो इस किचन का साइज आएगा आपको 8 x 11 फीट का, यानी ऐसे लंबाई में 11 फीट आएगा और ऐसे चौड़ाई में आपको 8 फीट का आएगा। 8 x 11 फीट का ये किचन। और यहाँ से जो गैलरी आएगा, सी गैलरी होते हुए आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये बेडरूम मिलेगा। ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज़ दिया गया है 10 x 10 फीट का। 10 x 10 फीट का ये बेडरूम है। फिर यहाँ से आपको एक डोर मिलेगा, यहाँ से आपको अटैच टॉयलेट और बाथरूम दिया गया है इस बेडरूम्स के अंदर अटैच करके।
ये घर का प्लान और इस घर के जो वेंटिलेशन के बारे में बात करें, तो इसके घर में वेंटिलेशन के लिए आपको पहले ये गैलरी में 3 विंडो मिलेगा, छोटा सा करके 3 विंडो मिलेगा। यहाँ से आपके घर में जो लाइट आएगा, विंड वो अंदर जाएगा। फिर किचन के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेशन मिलेगा और इसी किचन के लिए आपको यहाँ पर भी 3 विंडो मिलेगा वेंटिलेशन के लिए। और सामने की ओर जो लिविंग रूम है उसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर भी एक विंडो मिलेगा। और इस साइड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बेडरूम के लिए भी 2 विंडो मिलेगा वेंटिलेशन के लिए। और इस घर में आपको ऊपर की ओर अभी स्टेयर होते हुए ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके का मॉडल दिया गया। आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से एक डोर मिलेगा और यहाँ पर भी एक विंडो दिया गया ताकि यहाँ से जो लाइट हो वो नीचे की ओर लिविंग रूम में आए। और इस घर में इस विंडो से आप निकलेंगे बाहर की ओर तो आपको यहाँ पर बेहतरीन से एक छत मिलेगा और इसके ऊपर का मॉडल आएगा कुछ इस तरीके से। ये घर का प्लान जो बाहरी साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा घर का प्लान, पूरे 3D में आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और इस घर को मैं ट्रांसपेरेंसी करके आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में इस घर का लुक बहुत ही खूबसूरत भी आएगा। ये देखिए, आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये इस घर का ट्रांसपेरेंसी। इसका मैं ट्रांसपेरेंसी भी हटा देता हूँ। तो ये आज का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका आइडिया जो है वो भी मुझे शेयर करें। और आप सभी को प्रेमेस होम प्लान का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें।